तो स्वागत है भाई सभी का नए दिन नए व्लॉग में। अभी सुबह का वक्त हो रहा है और हम अपना भाई जिम जा रहे हैं और आई होप कल का व्लॉग देख के भी भाई मजा आया होगा। अभी चलते हैं, जरा आज वर्कआउट करते हैं। वैसे आज अपना डे वन है तो जिम तो अपना आ गया भाई, और सोच रहे हैं आज अपना जो सर्किट है उससे चालू करते हैं क्योंकि 10 बजे के बाद नहीं तो क्रॉसफिट और कार्डियो वाला सेक्शन बंद हो जाता है। तो अंदर तो आ गए भाई और अपना सर्किट तो हुआ, अब चल के वर्कआउट करते हैं और उसके बाद फिर आगे बात करते हैं। तो भाई अपना वर्कआउट तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है और अब अपना सबसे पहले रूम पे चलते हैं। चलो भाई बढ़िया, एकदम धूप की किरणें भी दिखती हुई। तो भाई फाइनली अपना रूम पे भी आ चुके हैं और अपना जो ये पोस्ट वर्कआउट शेक है ये भी तैयार है, इसे पीते हैं, थोड़ा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद फिर आगे बात करते हैं। तो भाई अपना ब्रेक तो लिए ठीक ठाक और मैं जरा बुक माय शो पे देख रहा था तो अपनी जो आर्टिकल 370 करके मूवी है उसका आज आखिरी दिन है और उसका सोच रहे दिन का शो एक दिख रहा है तो जरा पता करके आते हैं, अगर उसकी टिकट मिल जाए तो चलते हैं। तो चलते हैं भाई जरा पता करने। भाई अंदर चलते हैं जरा और एक बार पूछ लेते हैं चल के कि क्या सीन है अगर टिकट मिलता है तो, क्योंकि आज आखिरी दिन है मूवी का तो देखते हैं क्या सीन होता है इसका। तो भाई चल के पूछे तो हैं हम अभी, और यही बोला है कि एट द स्पॉट पता लगेगा, तो जरा जो 1:30 बजे का शो है तब आते हैं और तब जरा ट्राई करते हैं टिकट का। तो भाई जरा अंदर चलते हैं और थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, अपना जो ब्रेक है ब्रेक वेक लेते हैं, तैयार होते हैं और फिर भाई जो ये रैंडम प्लान बनाने का सोचे हैं कि क्योंकि रैंडमली देखे अपना बुक माई शो पे और सोचे कि अगर टिकट मिल जाए तो, बट हाँ इसका जो आइडिया लगेगा वो एट द स्पॉट ही लगेगा। तो उन्होंने कहा जब शो का टाइम होगा तब आप एक बार आके पूछ सकते हो या पता कर सकते हो, तो तब एक बार ट्राई करेंगे पता करने का और तब जब जाएंगे तब आगे बात करते हैं। तो भाई फाइनली हम तैयार तो हो गए हैं और अपना खाना भी भाई तैयार है तो जरा इसे निपटाते हैं, भूख तो थोड़ी लग रही है और 1:15 बजे के आसपास का भाई समय हो रहा है तो बस खाना खाएंगे और फिर चल के ट्राई करते हैं कि अगर टिकट मिलता है तो। तो चलते हैं भाई जरा अपना देखते हैं अगर शो का टिकट मिलता है तो। देखो भाई ऑलमोस्ट आ तो गए हैं तो अब अंदर चलते हैं और एक बार ऊपर जाके भी पूछते हैं क्योंकि देखो यहाँ का बॉक्स ऑफिस अभी थोड़ा क्लोज आएगा तो लगता है ऊपर जाके ही पता लगेगा, तो जरा पूछते हैं। तो ये वाला शो देखने का ट्राई कर रहे हैं, वैसे तो 4th फ्लोर पे जाना है तभी, अभी थोड़ा लिफ्ट का इंतजार कर रहे हैं। तो चलते हैं भाई, तो अब देखते हैं भाई क्या सिस्टम होता है। देखो यहाँ पे 1:30 का शो चालू है ना अभी, तो भाई अब यहाँ से अंदर चलते हैं जरा बढ़िया। फाइनली भाई अंदर तो हम आ चुके हैं क्योंकि हमें भाई टिकट भी मिल चुकी है जो रैंडम प्लान बना है और उसके बाद भाई ये जो 1:30 का शो था अपना आर्टिकल 370 जो मूवी है उसका आज आखिरी दिन है और दिन का शो है भाई, लास्ट ही शायद दिन का शो होगा। तो ट्राई किया एट द स्पॉट मिले और भाई मिल गई टिकट, तो बढ़िया यार एकदम रैंडम। और अब थोड़े समय अपनी मूवी का समय होगा, अभी 1:20 के आसपास का समय हो रहा है। ये देखो भाई अपना यहाँ मॉल का थोड़ा नज़ारा भी दिखता हुआ, एकदम बढ़िया व्यू। और थोड़ा इधर नज़र घुमाए तो भाई यहाँ पे भी खान पान की व्यवस्था हो रखी है और हमें स्क्रीन नंबर 1 पे जाना है और उधर भी भाई कैंडी बार लिखा हुआ है। भाई ऑलमोस्ट 1:40 के आसपास का समय हो रहा है और दरवाज़ा खोल दिया गया है तो यहाँ से भाई चलते हैं अब हम अंदर। ये रही भाई अपनी एफ्रो, यहाँ पे अपने को 9 नंबर पे जाना है। तो भाई अंदर तो आ गए, बस थोड़ी देर में मूवी शुरू होगी। बढ़िया भाई, थोड़ा थोड़ा तो प्राइवेट शो भी लग रहा है, ये आगे की सीट्स देखो। तो अब इंटरवल में बात करते हैं। तो भाई इंटरवल हुआ है अभी और बढ़िया लग रही है भाई मूवी अभी तक, ऑलमोस्ट 3 बज रहे हैं इस समय और आई थिंक 1:30 बजे से थोड़ा आगे मूवी चालू हुई थी, पर हाँ बढ़िया है भाई। अब अंदर चलते हैं और जब मूवी खत्म होगी ना उसके बाद बात करते हैं। तो चलते हैं भाई अंदर, बढ़िया लाइट वाइट जली हुई है अभी तो, ऐसा कुछ थिएटर दिखता हुआ। तो भाई मूवी तो अपनी खत्म हो चुकी है, चलते हैं भाई बाहर। देखो यहाँ से दिखाते हुए चलते हैं जरा, तो नीचे तो आ गए भाई और लगता है नीचे वाला बॉक्स ऑफिस भी खुल गया है, पर हम जब आए थे तब तो थोड़ा क्लोज था, पर भाई तभी हमने ऊपर से ही जाके एट द स्पॉट जो रैंडमली प्लान बना के टिकट ली वो ली और भाई बढ़िया एक्सपीरियंस रहा मूवी का। अभी पहले रूम पे चलते हैं और भाई ऑलमोस्ट 4:30 बजे के आसपास का समय हो रहा है और हम घर तो ऑलमोस्ट आ ही गए हैं और फाइनली भाई हम रूम पे भी आ चुके हैं। तो अगर मूवी का आप थोड़ा और बात करा जाए तो भाई बढ़िया एक्सपीरियंस रहा, मतलब मुझे तो इंटरेस्टिंग लगी क्योंकि थोड़ी फिक्शनल तो होती है बट हाँ कुछ फैक्ट्स भी जानने को मिलते हैं जैसे आर्टिकल 370 के बारे में थी, तो भाई बढ़िया लगा। तभी मैंने सोचा क्योंकि आज जैसा बताया कि लास्ट डे ही लगी थी तो मुझे लगा भाई कि रात के शो में, क्योंकि हम कल भी गए थे ना, तो जब कल मैंने पूछा था कि जैसे शैतान मूवी लगी और आर्टिकल 370 लगी तो उन्होंने कहा कि नाइट के जो चांस है, मतलब एक वन ऑफ द मल्टीप्लेक्स में कहा कि भाई एक बार को एट द स्पॉट आपको शैतान की मिल जाएगी बट आर्टिकल 370 की कंफर्म नहीं है। तो इसलिए मुझे लगा कि आज दिन में टाइम देखा 1:30 बजे के आसपास को तो तब ट्राई करते हैं और भाई एट द स्पॉट जैसे देखा कि जाके मिल गई और भाई बढ़िया लगा मूवी देख के, एकदम अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और अब थोड़ा अपना पहले मील खाते हैं। तो भाई अपना पालक पनीर रोटी और सोया चंक्स तैयार है, तो हम भी तैयार है भाई क्योंकि भूख तो थोड़ी लग रही है ठीक ठाक, मतलब
मूवी के टाइम तो थोड़ा उसी में एंगेज थे, लेकिन हाँ अब आए हैं तो थोड़ा अपना शाम का मील भी हो जाए, 4:35 के आसपास का समय हो रहा है, तो इसे खाते हैं पहले तो, और थोड़ा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बात करते हैं। तो थोड़ा अपना ब्रेक तो लिए है, लेकिन सोच रहे हैं ज़रा अपने कुछ मेल चेक कर लेते हैं, खासकर जो यूनिवर्सिटी मेल आईडी है उस पे, और कुछ अगर नोटिफिकेशन आई हो तो। हालांकि नोटिफिकेशन से मुझे एक चीज़ अभी ध्यान में आई, आज मैं सोच रहा था कि अपना साइकोलॉजी का जो हमने सबमिट किया है, फॉर एग्जांपल प्रेजेंटेशन हो गया या फाइनल टर्म पेपर हो गया, उसके बारे में भी कभी किसी व्लॉग में बात करेंगे, और साथ ही साथ हमारे कुछ क्रेडिट्स के बारे में भी ट्राई करेंगे बात करने का। बट हाँ, अभी पहले ये वाला काम कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बात करते हैं। तो भाई अपना जो मेल भेजने वाला काम था वो भी थोड़ा एक बार नोटिफिकेशंस वगैरह कुछ देखे, उससे रिलेटेड काम, और थोड़ा ब्रेक लिए थे। और एक चीज़, अपना जो हीवी जॉब का जैसे वन ऑफ द टास्क रहता है कि किसी को कुछ क्वेरी है, तो आज देखा, चेक किया, तो पता लगा भाई एक नई क्वेरी भी आई हुई थी, तो ट्राई किया उसको भी पढ़ें और उसके रिगार्डिंग थोड़ा आंसर करने का। तो अभी तो भाई ये वाला काम अपना हुआ ब्रेक के साथ, और अब सोचते हैं थोड़ा बाहर जाते हैं। बाहर भी भाई थोड़ा रात्रि का समय हो रहा है, और देखो थोड़ा ये गुजर जाए तो बढ़िया भाई, यहाँ मून भी दिखता हुआ। तो यहीं थोड़ा वॉक कर रहे हैं अभी हम। तो भाई अपना वॉक करके तो आए, और अपनी थोड़ी भाई गोभी आलू घर की बनी सब्जी और रोटी भी तैयार है, तो भाई इसे जरा खाते हैं, थोड़ी भूख तो लग रही है, और अपना मील भी थोड़ा बैलेंस आउट हो जाएगा या ट्राई करेंगे, तो पहले जरा इसे निपटा लेते हैं। तो भाई फाइनली अपना मील भी हो चुका है, और अब सोचते हैं कि आराम करते हैं। तो आई होप आज का व्लॉग देख के मजा आया होगा, बढ़िया जो रैंडम मूवी का प्लान बनाने का ट्राई किया और भाई देखने को भी मिली, तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और नए दिन नए ब्लॉग में मिलते हैं, बाकी तो पता ही है, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दो, ज़्यादा टाइम लगता नहीं। बाय बाय, चाओ चाओ, नमस्ते। चलो, और जिन टॉपिक के बारे में थोड़ा जिक्र किया, ट्राई करेंगे कभी उनके बारे में भी बात करने का। बाय बाय।